बच्चों आज एक और डबल सिलेशन का क्वेश्चन लगाएंगे। ये थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है जो हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये कोई एक डिस्क्रीट फंक्शन है 2m+1, जिसमें हम पहले सम पर जो क्वेश्चन लिखा है कि पहले सम करिए m की वैल्यू m से लेके 19 तक लीजिए, एंड फिर जो सम आया उसको आप फिर जो उसमें जब n की वैल्यू m से 19 लोगे तो ये खाली इसमें m ही बचेगा, n वाला पार्ट हट जाएगा, फिर उसमें m की वैल्यू 1 से 19 करो, टोटल सम करो तो क्या होगा। तो ये बेसिकली इसमें हम करते क्या है, पहले इस पार्ट को सम करते हैं, सम इस पार्ट को ब्रैकेट में रख लिया, इसको सम करेंगे, फिर उसके बाद m में सम करने को होगा, तो बाद में m की वैल्यू 1 से 19 लेके सम कर सकते हैं। बट यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये सिग्मा n है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें सिग्मा n की वैल्यू आपको पता है, या सिग्मा m अगर बात होता तो भी वैसे वैल्यू पता है कि 1 से लेकर के n तक की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के n की वैल्यू सिग्मा n आपको पता है, दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2। बट वहां पे लोअर लिमिट 1 है, 1 से n का पता है, बट यहां पे लोअर लिमिट इन्होंने n इक्वल टू m दे रखा है। तो ऐसे में करते क्या है, जैसे हम पिछली बार में बताया भी था कि जैसे अब उसमें करेंगे क्या कि हम 1 से लेकर 19 तक करेंगे, 1 हमें m से लेकर 19 तक करना है, तो उसका तरीका है कि 1 से 19 तक कर लो, एंड देन ये वाला पार्ट 1 से लेकर के m-1 वाला पार्ट माइनस कर दो, तो फिर ये वाला पार्ट बचेगा, m से लेकर 19 तक का सम हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस सम को दो सम में तोड़ना पड़ेगा, तो वो अवॉइड करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका निकालेंगे, वो हम तरीका आपको बताते हैं। अब ये जो फंक्शन है Fn में, इसको अगर हम एक ग्रिड बनाए n की वैल्यू और m की वैल्यू में, जिसमें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 0 से लेकर 19 तक होगी, 0 से लेकर के 19 तक जाएगी, इसी तरह m की वैल्यू भी 0 से लेकर के 19 तक जाएगी। एक ही अगर डिस्क्रीट वेरिएबल होता है तो एक ही लाइन पे नंबर लाइन पे आप 1 2 3 कर सकते हो, हमें दो है इसलिए हम Mn इस तरह से दिखा रहे हैं। अब इसमें ये जो पूरी प्रोसेस है, अब इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर हम एक लाइन ऐसे लिखते हैं n इक्वल टू m की लाइन, n इक्वल टू m की लाइन, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू m लिखा है इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। तो अब देखिए इस फंक्शंस की वैल्यू होगी, इस फंक्शंस की क्या क्या वैल्यू होगी वो देखें। इसमें अगर n इक्वल टू 1 है और m इक्वल टू 1 है तो एक फंक्शन की वैल्यू हो गई, फिर n इक्वल टू 2 है तो m इक्वल टू 2 है तो एक ये फंक्शन हो गई, या n इक्वल टू 2 है पर m इक्वल टू 1 है तो एक वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आप करोगे 1 2 3, तो इस तरह से ये जो तुमने क्लास बना रहा हो ये इस फंक्शन की वैल्यूज होंगी। जैसे यहाँ पे अगर तो होगा तो n इक्वल टू 4 होगा और m इक्वल टू 1 होगा, फिर इस तरह से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इस तरह से ये जो क्लास है ये बेसिकली इस टाइप की वैल्यूज बनती चली जाएंगी। ठीक है, अब इसको समेशन का तरीका क्या है, ये सारी वैल्यू का सम करना है, इसका मतलब या तो पहले एक लाइन का सम कर दो, मींस m को कांस्टेंट करके हम n पे सम कर दें, एक लाइन पे सम कर दें ये सारा, फिर m की वैल्यू 1 से लेकर के m कर दोगे तो ये पूरा एरिया पे सम कर दोगे, तो ये पूरा एरिया सारी वैल्यू सम हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, आपने n को कांस्टेंट कर दिया, मान लिया पहले ये लाइन चूज कर ली, ये लाइन चूज कर ली तो m की वैल्यू आपने यहां से लेकर के यहां तक सम कर दी, फिर उसमें एन की वैल्यू 1 से लेकर के एन, तो आप पहले मतलब पहले आपने ये लाइन सम की फिर ऐसे सम करते चले गए, या पहले ये लाइन सम की या ऐसे सम करते चले गए, तो पूरा अगर आप सम काउंट करना चाहो तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा एक सारे काउंट हो जाएगा, यही भी इसकी डबल सिलेशन होता है। अब इसमें हम चाह ये रहे कि लोअर लिमिट यहाँ पे ये ना रहे, ये भी कोई फिक्स नंबर आ जाए, तो अदरवाइज हमें ये जो समेशन है दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना। इसको आप इसी चीज को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे है क्या, एन की वैल्यू एम से लेकर के 19 तक का है बात, एन की वैल्यू एम से लेकर 19 तक है, ठीक है 19 तक है, एंड फिर एम की वैल्यू 1 से 19 तक है, तो एम की वैल्यू
वन से लेकर, अगर ये इनइक्वालिटी फार्मूला लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, एम की वैल्यू वन से उन्नीस, वन से उन्नीस के बीच में है, एन की वैल्यू एम से उन्नीस के बीच में है। अब अगर हम एम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पहले सब करना चाहें तो क्या लिखेंगे, एम की वैल्यू वन से एन तक लिख देंगे। ये देखिए एम की वैल्यू वन से एन तक लिख दिया, एंड फिर उसके बाद एम की वैल्यू वन से नाइनटी हो जाएगा, एम की वैल्यू वन से नाइनटी हो जाएगा। एंड अगर इस ग्रिड से समझना चाहो, ये जो क्वेश्चन था शुरुआत में जिस फॉर्म में लिखा है, इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले एम को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो इस ऐसे पहले सब कर रहे हैं, इस तरह से सब करते चले जा रहे हैं, ऐसे सब किया फिर ऐसे सब कर लिया, तो उसकी जगह पे इसीलिए क्या हो रहा है, लोअर लिमिट ये आ रही है, लोअर लिमिट ये आ रही है। पर हम क्या करेंगे, पहले अगर ऐसे 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 सब करें, ऐसे सब करें, एक ऐसे सब करें, फिर ये सब करते चले जाए, ऐसे ऐसे सब करते हुए, तो लोअर लिमिट फिर बेसिकली वर्ग से हो जाएगी। तो हम वो करने की कोशिश करें, तो ये लिमिट कैसे चेंज करेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हमने क्या किया, ये क्रम चेंज कर दिया, n वेरिएबल का समेशन पहले ले आया, n वेरिएबल का समेशन n से 1, n की वैल्यू 1 से 19 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 से लेकर के 19 तक हो गई, एंड उससे पहले m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 1 से n हो जाएगी, m की वैल्यू हमने ऐसे लेना शुरू किया ना, तो 1 से लेकर कोई भी एक लाइन ले, मतलब ये लाइन ले लिया तो 1 से लेकर के एन हो जाएगी, क्योंकि इसी लाइन तक जा रही है, इसी लाइन तक जा रही है। इतना अगर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम ये चेंज करेंगे, लोअर लिमिट को भी हमें चेंज करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्रम चेंज करने, क्योंकि दोनों लिमिट डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, उसके बाद तो सारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, ये पार्ट को सम करना है, इस पार्ट को सम करने के लिए हमने क्या किया, इसके ब्रैकेट वाले पार्ट का सम करना है, तो इसको दो पार्ट में टूट जाना, देखिए ये 2 है, 2 बाहर कर लिया, m पे सम करना है, n इक्वल टू 1 टू n, m इक्वल टू 1 टू n, उस दौरान n कांस्टेंट है तो n बाहर निकल गया, दूसरा वाला पार्ट समेशन 1 m इक्वल टू 1 से लेकर के n तक आ जाएगा। इसके बाद का तो अब ये सिग्मा m पता होता है, सिग्मा m का फार्मूला क्या होता है, m मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें जो हायर वैल्यू वो उसकी एम की वैल्यू 1 से अंदर जा रही है, तो क्या जाएगा n बाई टू n प्लस 1, एंड ये सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 n टाइम्स 1 है, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी n इनटू n हो गया, ये यहां पे आ गया। इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 2n स्क्वायर प्लस n आ गया, m m वेरिएबल अब चला गया, तो अब केवल अपनी सिग्मा n स्क्वायर का वो फार्मूला को पता है, दैट इज n n plus 1 multiplied by 2n plus 1 divided by 6 था, उस चीज को देखिए हम सीधे यूज करेंगे। अब ये अगला स्टेप क्या हो जाए, सिग्मा n स्क्वायर 1 टू 19 है, 2 पहले से था, 2 1 by 6 हो गया, 19 n plus 1 2n plus 1, ये सिग्मा n है तो ये हो जाएगा half 19 n plus 1, इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल जो आंसर ये है आ जाएगा 5130। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को लगाने का सारा कुछ वही था, ओनली थिंग इसका क्रम चेंज कर रहे हो कि ये वाला पहले हम m पे समेशन कर रहे हैं, उसके बाद n पे करेंगे, तो बस उसको लोअर लिमिट 1 नहीं थी यहाँ पे, तो उसको 1 लाने के लिए हमने किया, तो वो कैसे करेंगे वो समझने के लिए हमने ग्रिड वाला पार्ट बताया। इसको आप दो तीन बार जब आप ध्यान से सुनेंगे और अपने आप बना के कोशिश करेंगे तो ये पार्ट समझ जाए, है छोटी सी चीज बट ये अगर थोड़ा भी गलत हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, इसको समझिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन के साथ आएंगे।